हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। आज हम भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं और इसमें स्थिति एवं विस्तार के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, फर्स्ट ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, सेकंड है 3333 किलोमीटर, थर्ड 3133 किलोमीटर, फोर्थ 3214 किलोमीटर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है 2933 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। इसका चार ऑप्शन में से फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है कि भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखिए कितना है, 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का देखिए दो, इसमें चार ऑप्शन है, 10.7, 18.86%, 27.7% एंड 43%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो इसमें भी चार ऑप्शन हैं, 10.7, 18.6, 29.3 एंड 43%। तो इसका आंसर कौन सा वाला राइट है, 29.3%। ठीक है, तो संपूर्ण भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो संपूर्ण भारत के इसमें भी चार ऑप्शन है, 10.7, 18.6, 27.7 एंड 29.3%। तो संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, तो 27.7% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो थर्ड वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने मील की दूरी तक है। चार ऑप्शन है, 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। तो इसका राइट आंसर है 12 मील। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 मील की दूरी तक है। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 मील, ये 12 समुद्री मील, एक्चुअली 12 मील नहीं है, 12 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक है, 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसमें चार ऑप्शन गिवन है, 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन राइट है, 200 मील। तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 मील तक, 200 समुद्री मील तक फैला है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।